बोला कातक बड़ी अमावस थी भाई, दिन था खास दिवाली का, और आंख्या के वहां पानी आ गया, ढंग देखा जब आड़ी का। लोन उतारा क्यों कर, लोन भरा क्यों कर, बैंक भरा क्यों भरा, क्यों टावर बनावा। अरे ये 6 महीने कमाई देख लो, ये हालात हो गए भारी। बोला चौगर देना काला हो रहा, खड़ी बिजली कड़के, और दो दाने मेरे दिए कनके, वे भी मालिक तेरा रड़के। सभी को नमस्कार भाई, मैं आपका भाई नरसिंह प्रजापत शिवानी, आप देख रहे हो एनपीएस न्यूज। भाई एनपीएस न्यूज ना करे कन्फ्यूज, फिलहाल शिवानी मंडी के खेता में आप पूछे यहाँ जमींदारा के ऊपर चौगर देता मार पड़न लग रही है। इधर परमात्मा की मार, इधर सरकार की मार, अब फिलहाल परमात्मा ने किसानों के ऊपर जो कहर दया है उसका मंजर आप साफ साफ देख सको। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार पूरा कैमरा घुमा के चारों तरफ की तस्वीर दिखा दे भाई। फिलहाल शिवानी मंडी खेता में आप पूछे यहाँ गेहूं की जो फसल है, किसानों के अरमानों पे कहीं ना कहीं पानी फेरने का काम जो है वो कुदरत ने कराया है, कुदरत ने जो अपना कहर बरसाया है भाई। शिवानी में कल रात को ही भारी ओलावृष्टि हुई है, भारी बरसात हुई है, जब किसानों की फसल पककर तैयार थी, महज 5-10 दिन के अंदर जो किसानों की जो गेहूं की फसल थी वो होने वाली थी, पककर तैयार होने वाली थी। किसान ने बड़े बड़े सपने देखे थे, गेहूं की फसल बेच करके अपने बच्चों की फीस भरेंगे, अपने बच्चों के नए कपड़े लाके देंगे, अपने बच्चों के अरमान पूरे करेंगे, लेकिन परमात्मा ने किसानों के अरमानों पर ही पानी फेर दिया भाई। किसानों के ऊपर समय समय पर मार गिरती आई है, कभी प्रशासन की मार, कभी सरकार की मार, कभी परमात्मा की मार, तो कभी ठगों की मार, चोर लुटेरों की मार। अब पिछले दिनों शिवानी मंडी में एक घटना हुई थी कि कुछ बाहर से कुछ किसान लोग आए थे और उन्होंने किसान से लूटमार की थी, यानी कि जो नरमा तोड़ने वाला उनका कांडा था, कांडे में रोल कर रखी थी, भारी चपत किसानों को लगाई। तो भाई किसानों ने अपने सपने देखे थे भाई, हम भी अपने अरमान पूरे करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के अरमान है वो पानी के साथ बहते हुए नजर आए। चारों तरफ से आप मंजर देख सकते हो, गेहूं की फसल है वह नष्ट होगी, सरसम की फसल है वह नष्ट होगी, किसान जो है वो हर तरफ से मारा जाने लग रहा है। किसान जब सुबह आके अपने खेत का हाल देखा तो किसानों को बहुत रोना आया। बोला कातक बड़ी अमावस थी भाई, दिन था खास दिवाली का, और आंख्या के वहां पानी आ गया, ढंग देखा जब आड़ी का, तो भाई आड़ी का ढंग, जमींदार का ढंग आज ऐसा हो रहा है कि मतलब जमींदार के पास आंसुओं के अलावा और कुछ भी नहीं है। आप जहां भी देखोगे 2 दिन में इतनी भारी ओलावृष्टि और इतनी भयंकर बरसात और तूफान आया है कि जो जमींदार के जो अरमान है वो पानी में बहते हुए नजर आए हैं। आप देख सकते हो शिवानी के खेतों में फिलहाल जो फसल है वो पूरी तरह से बह चुकी है, मतलब बिस्तर की तरह बिछ चुकी है। जो किसानों के अरमान थे उन्हें पानी फिर गया, किसानों ने बड़े सपने देखे थे, उस किसान लोग भी यहाँ पर आ गए हैं। मैं शासन और प्रशासन से वीडियो के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि कृपा किसान की जो ये फसल नष्ट हुई है इसका मौके पर मुआवजा करके, गिरदावरी करके किसान को जो है वो उचित मुआवजा देने का काम करें। तो कुछ किसान लोग अपने साथ मौजूद आपा, इनसे बातचीत भी करांगे। आप इस वीडियो में ज्यादा शेयर करियो। राम राम अंकल जी। राम राम। अच्छा क्या कहना चाहोगे, आपकी जो फसल है वो तो लगती है पूरी तरह नष्ट होगी। इलाज तो करना कोई तो मतलब इतने ओला बरसात बहुत मुंडी आई, तूफानी बहुत मुंडी तरी आया, आपने भी कोई सपने देखे होंगे भाई, अपने अरमान पूरे करांगे, बच्चा की फीस भरांगे, मतलब जो उधार ले रखी है किसी से वो उधार चुकावांगे, लेकिन वो अरमान कहीं ना कहीं पानी में बह गए। वो करार तो डूब गया हमारा, यहाँ वाडी पड़ गई, करा के भी क्यों भरा है, भगवान का हाथ जोड़ दिया, जिम्मेदार गया फसल याद ही मिटा, जिम्मेदार रोंदा रह गया, इलाज के जिम्मेदार करने भी। प्रशासन और सरकार से क्या मांग करना चाहोगे आप? मांग भी सरकार देना चाहिए, ऑटोमेटिक आप भी देखना चाहिए सरकार ने, मेरे को नहीं, दाद में चढ़ सरकार फिर ना रही है, दाद में चढ़ सरकार फिर ना रही है, कितना अड्डो पड़ रही है, कितना ओड़ा पड़ रही है, कितना नुकसान हो रही है सरकार ने, मेरे को नहीं, सरकार जिम्मेदार भी ना आई खड़ा हूँ। तो अब तक आपके पास कोई पटवारी गिरदावर कोई आया देखने के लिए मौके ऊपर, फसल देखने के लिए कोई मंत्री आया? कोई मंत्री आया, कोई पटवारी आया, मांग पड़ गई कणक और बैठे देखाएंगे मुंह हम ही, मैं क्यों कर दुआना उतारा, क्यों कर लोन भरा, क्यों कर बैंक भरा, क्यों भरा, क्यों टावर बनावा। यानी कोई भी अधिकारी आपके पास नहीं आया अब तक देखने के लिए भाई फसल खेता को? मार्केट में कोई को नहीं आया जताई, आ कड़क पड़ी राडी में तो देख के रोटी और कौन भाव है। तो भाई जो खाना पीना है किसानों का छूट चुके हैं, क्योंकि किसान के जो अरमान है वो ओड़ों के साथ और पानी के साथ बहते हुए नजर आए। तो कुछ किसान भाई और अपने साथ मौजूद है, आप इनसे बातचीत करांगे। देखो भाई अपनी फसल के ऊपर, जिस फसल को किसान ने बच्चों की तरह पाला था, बच्चों की तरह उसकी देखभाल करी थी, आज उसी के ऊपर बैठे हैं, यानी कि बहुत भारी दुख जो वो किसान जता रहे हैं, अपने बच्चों की तरह पाली थी इस फसल को और आज बच्चों की तरह इसके ऊपर बैठे हुए हैं। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। कैसे गेहूँ की फसल के ऊपर ऊपर बैठ गए आप? क्या करा जी, ये मान लो देख लो, मालिक क्या जोर नहीं है,
ज्यादा ओलावृष्टि की वजह से, शेर तूफान की वजह से देखो ये हालात हो गई है, भारी नुकसान है। क्या क्या सपने देखे थे आपने? आपने भी कोई सपने देखे हुए अभी, किसी की उधारी चुकानी है या अपने बच्चों की फीस भरनी है, तो कहने के वो सपने आपके पानी के साथ बहेगी? वो तो है ही जी, क्यों जमींदार फसल पर डिपेंड है सब कुछ है। अरे ये 6 महीने कमाई देख लो, ये हालात हो गई है, भारी नुकसान है देख लो जी। अभी जो साल भर की जो किसान की कमाई है वो परमात्मा ने नष्ट कर दी है, तो मैं शासन और प्रशासन से वीडियो के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि कृपा किसानों को जो वो उचित मुआवजा देने का काम करें। तो भाई साहब क्या मांग करना चाहोगे आप सरकार से? देख लो जी, मान लो इसका उचित जो भी हमारा बीमा क्लेम है वो मिलना चाहिए, और क्या मांग कर सकते जी, ज्यादा से ज्यादा मदद करी जाए। फेसबुक के माध्यम से अलग अलग लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुरेश दून जी है, उन्होंने फेसबुक पर लिखा है कि ऐसी की तैसी रा मालिक तेरी, तने या के करी। एक हमारे भाई हैं जिन्होंने फेसबुक पर लिखा है, ए मालिक किसान ने अपने अरमान देखे थे लेकिन तने उनको पानी ही मिला दिया। और अलग अलग लोगों ने फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है कि किसानों ने जो अरमान देखे थे वे अरमान पानी के साथ बह गए। शिवानी क्षेत्र के अंदर, पूरे शिवानी क्षेत्र के अंदर ही भारी ओलावृष्टि हुई है, यानी कि इतने भयंकर ओले पड़े हैं, इतने भयंकर तूफान आया है जिसकी कोई सीमा नहीं थी। इस तूफान के कारण जो पूरी फसल है वो किसानों की बर्बाद हो चुकी है। तो भी दर्शकों के बहुत कमेंट आए हमारे पास, बहुत फोन आए कि भाई साहब आप खेतों में भी जाओ और जो किसानों का जो हाल है वो शासन और प्रशासन के आगे रखो। तो भाई अपनी टीम आज शिवानी उपमंडलीय खेतों में पहुंची है। खेतों में जब हमने आके देखा तो भाई हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए। कहीं ना कहीं जो फसल थी वो किसानों के जो अरमान थे वो पानी के साथ बहते हुए नजर आए। तो भाई क्या की देर कर दो वीडियो ने शेयर, अगली वीडियो मिलेंगे फिर। अनपीएस न्यूज के लिए कैमरा मैन सतीश वर्मा के साथ शिवानी मंडी से नरसिंह प्रजापत की रिपोर्ट।